नमस्ते सभी को और स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो बात कर रहे हैं अब थोड़ा घर के उस माहौल से बाहर आ चुके हैं। तो जब आ ही चुके हैं तो थोड़ा कुछ ध्यान को भटकाएं। तो कोई नहीं, तो अभी जिम से निकले हैं। थोड़ा माइंड में मेरा था कि कुछ सप्लीमेंट लेने थे, तो पास ही में यहाँ पे हेल्दी प्लेनेट है तो निकल पड़े हैं, तो सबसे पहले वो लेंगे। और दोबारा से वर्कआउट की दुनिया में वापस आ चुके हैं। वैसे घर पे मुझे इतना टाइम मिला नहीं, क्योंकि तकरीबन 25 से 30 दिन थे और उन 30 दिनों में भी अगर मैं आइडिया लगाऊं तो 8-10 दिन तो आगे पीछे ट्रैवल नहीं निकल चुके, और बाकी के अगर दिन में तो बाकी के दिन घर में। और वर्कआउट कुछ बढ़िया से नहीं हो पाया। मेनली मेरा जो टारगेट था तो वो था कि मैं अपनी जो इंजरी है उसे थोड़ा बेटर कर पाऊँ, रिकवर कर पाऊँ। तो वही अपने फिजियो सेशंस चल रहे थे, देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेक करने के लिए कि जो जो अपनी फिजियो का वो जो चल रहा है तो वो थोड़ा बेटर हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वर्कआउट बीच में करते रहे, थोड़ी स्ट्रेंथनिंग करते रहे। इसलिए वीकली अगर आप कहें तो आइडिया लगा लें तो वीकली 1 या 2 दिन का वर्कआउट अपना चल रहा था अगर एवरेज निकालें। बट लास्ट के कुछ दिनों में 10-15 दिनों में ऑलमोस्ट 5-6 दिन में गया हूँगा। बट अब जब वापस आ चुके हैं तो अब बैक टू बेसिक्स, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, वर्कआउट पे वापस आना पड़ेगा। वैसे तो आ चुका हूँ मैं, 3 दिन हमने फुल बॉडी वर्कआउट कर लिया था। और देन संडे को, इवन संडे को भी मैंने छुट्टी नहीं करी, संडे को भी हमने पुल का वर्कआउट किया, डेडलिफ्ट नहीं करी, सिर्फ बैक और बाइसेप्स करने के बाद। कल हमने बहुत बढ़िया से लेग्स का वर्कआउट किया, स्क्वाट इवन बिल्कुल लाइट लाइट किया रहा था ऑलमोस्ट 100 के करीब। बट बाकी का वर्कआउट सारा धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, एकदम से लोड नहीं देंगे, ना देना चाहते। तो बाकी कमिंग डेज में कैसा फील होता है वो करके ही पता लगेगा। तो बात करें मौसम की, मौसम परसों तक तो बहुत बढ़िया था, आज भी बढ़िया है, बट हल्का हल्का गर्म सा हो चुका है, ह्यूमिड टाइप। बट कोई बात नहीं, रात को बढ़िया लगता है, खिड़की विड़की खोल देते हैं कमरे की, मज़े आते हैं सोने में। ये देख लो भाई, बस यही ट्रक, शांति। अगर आप बोलें यहाँ पे आपको क्या दिखता है आगे पीछे, तो सिर्फ गाड़ियाँ और ये हरे भरे पेड़ और शांति, बस यही दिखेगा। कोई देख सकते हैं आप, दूर दूर तक आपको कोई बंदा दिख नहीं था अभी चलते हुए, क्योंकि मोस्टली ये टाइम जो है वो लोग काम पे होते हैं या जो काम से आगे होते हैं वो सो रहे होते हैं, और बाकी के लोग जैसे कि आपको दिख ही रहा है गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, तो मेरे फ़ोन में मुझे दिखा रहा है ऑलमोस्ट 80% मेरे स्टेप्स बढ़ चुके हैं लास्ट 1 मंथ से। तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार स्टेप्स मैं बहुत ईजिली चल रहा हूँ। और अभी भी जो स्टोर है अपना जहाँ पे जा रहा हूँ वो 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर तो बस यहीं पे हो जाने अपने। तो स्टेप्स के मामले में बढ़िया है भाई, चलने हो जाता घर पे तो भाई 2 मिनट में गाड़ी निकाली, स्कूटी निकाली। तो अभी पीछे एक फूलों की दुकान दिखी है, तो सोच रहे हैं आते वक्त वहाँ पे भी चक्कर लगाएंगे, फूल दिखाएंगे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के। तो ये आ गया भैया अपना हेल्दी प्लेनेट। मेनली मुझे 2 सप्लीमेंट लेने हैं अभी, बेटाटोर नहीं, 2 नहीं 3 लेने हैं, एक बिट। थैंक यू, ये टू हेल्दी प्लांट से तो होगी अपनी शॉपिंग डन। अब आ गए हम भाई नर्सरी में, पहले तो बस फूल पौधे देख रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं, बढ़िया तो लगेंगे भाई, ऑलवेज बढ़िया है। तो भाई यहाँ पर तो फूल ही बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रही। ये है भाई फूल जिसका नाम मुझे याद हुआ अभी, बोगनविला। तो यहाँ पे दिखा भाई कोई फागा फूल, ये देखो, और एक इकलौता पेड़ है ये जो मुझे अभी तक समझ आया गुलाब का, जिसका गुलाब नहीं है अभी। अब यहाँ नीचे देख लीजिए, ये फ्लावर है क्या मुझे नहीं पता,
बट ये अपने वहाँ भी होते हैं, इनको ऐसे फूक मारो तो उड़ जाते हैं, पर मैं फूक मारना नहीं चाहता, पहले बहुत मारते थे। तो खैर फ्री का टूर लेके आए हैं वहाँ से, नर्सरी से। एट द एंड बहुत मुश्किल से मैंने फूल, इतने सारे फूल हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन कौन से, लग सारे बढ़िया रहे हैं। सोच रहा था कि कोई एक ले लेता हूँ, तो ऐसे अगर प्राइजेस की बात करूँ तो भाई प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे, बट फिर भी मैंने मन बना के एक चूज किया। बट जब देखा जाते जाते लाइन तकरीबन 15-20 लोग खड़ रखे थे, तो फिर सोचा किसी और दिन आगे लेते हैं, क्योंकि अभी देर भी हो रही है, जाना भी है, वर्कआउट भी स्टार्ट करना है, इवन खाया भी कुछ नहीं है, और वहाँ सप्लीमेंट स्टोर पे इतना टाइम लग गया ढूंढते सामान कि लेट हो गए हैं। तो वर्कआउट करने में भी 1-2 घंटा चाहिए, अभी जाने में भी आधा घंटा लगेगा, तो एक मोटा बिल बन गया इसका भी। क्या क्या लिया है अब ऐसे क्या ही बताऊँ क्या क्या लिया है, मेनली बता दूँ आर्जिनाइन, सिट्रोलिन मैलेट एंड COQ10 एंड एक और चीज़ लेनी थी बेटाटोर जो आपको बताया, बट वो मिला नहीं, इनके पास इन स्टोर नहीं था, ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन भी फिर हमने सोचा जब ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो अमेज़न से ऑर्डर कर दिया, सैटरडे तक वो भी आ जाएगा। तो हाँ एक ZML लिया है, तो बस यही सब। चलते हैं अब सीधा जिम, खाते हैं क्योंकि भूख बहुत लग रही है अभी। बढ़िया है कि धूप इतनी तेज़ नहीं निकली और ना ही बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो बच गया, उन्हें तो भाग के जाना पड़ता है। हाँ पर बात कर रहा था मैं उनके फूलों की प्राइस की, प्राइस मैंने आपको बताया नहीं, तकरीबन मिनिमम एटलीस्ट $30 से $40 का एक पौधा था, वो आफ्टर टैक्सेस तकरीबन $35 के करीब होएगा ही होएगा, तो मतलब 2000 का एक पौधा था तकरीबन। अब मैं अपने वहाँ इंडिया कभी नर्सरी गया नहीं हूँ कि मुझे प्राइजेस पता हूँ, बट हाँ घर पे जब लॉन हुआ करता था छोटा सा, तो माली जो भैया आते थे वो लेके आते थे बीच में, तो वो भी कोई इतना महंगा नहीं है, कुछ बड़ा कोई अच्छा कोई होता तो 300-400 मेरे हिसाब से होता होगा, बट 2-3 हज़ार का पौधा भाई यहाँ पे, कोई बात नहीं। बट मैंने घर पे ला रखे थे, एक मनी प्लांट लाया था और एक स्नेक प्लांट होता है शायद वो लाया था, पर फूल की मैं सोच रहा था फूल ले आते हैं, बट कोई नहीं नेक्स्ट टाइम अभी ले आते हैं भाई, फूल है तो अब कीमत तो होगी। तो कल जिम में अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट फुल बॉडी करने के बाद थोड़ा बॉडी को अब फ्लो में ला रहे हैं वापस, और अभी वैसे फर्स्ट टाइम आने वाला हूँ मैं जिम में, जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं अभी गुड लाइफ करके, तो मेन मुद्दा यहाँ आने का यही है, हमें ज़रूरत है अभी कोल्ड प्लंज और वो सोना की कॉम्बिनेशन जो होता है रिकवरी के लिए, जो कि काफ़ी सिलसिला चल रहा है अपना। विटामिन डी जैसे कि आपको बताया बहुत ही ज़्यादा कम आया, जिसकी वजह से इंजरीज साथ नहीं छोड़ रही है, तो अभी सारा कुछ फिक्स करने के इरादे से निकल पड़े हैं। चलो भैया ये पकड़ लो, तो अभी तो ये भैया भाई साहब अभी आपको दिखाएंगे धासु वर्कआउट लगाएंगे चेस्ट का, हमने तो नहीं लगाना, वो लगा चुके हैं, इनके साथ घूमेंगे देन उसके बाद कर। बोर कर दिया इस आदमी ने मुझे, बोर। अच्छा वाला घर पे बैठा था, कोल्ड प्लंज लेने आया था, 2 घंटे हो गए हैं अभी तक इसी उम्मीद में कि आज मेरा दिन आएगा, पर लग नहीं रहा भी आएगा। बाकी सभी बोर हैं भैया, कमज़ोर हो गए ज़रा, क्या आपको क्या लगता, लग ही रहा वैसे तो, वेट अभी चेक किया 70 के अराउंड आ रहा है, तो दोबारा थोड़ा बहुत हिलाना पड़ेगा सभी को, साइज हल्का सा तो डाउन हुआ ही है। और हाँ भाई साहब चीज़ बताना भूल गया, नया इनिशिएट ले लिया हमने, आज से वीडियो शूट होना शुरू हो चुकी है, मींस वो जो डेली ब्लॉग्स चलते हैं ना शॉर्ट टाइप में, तो वही इंस्टाग्राम फेसबुक का तो पता नहीं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तो ज़रूर आने वाली है, तो उसे भी बढ़ चढ़ के थोड़ा साथ दें। बाकी अभी पता नहीं कि ये वीडियो जब तक आएगी तब तक वो पोस्ट होगा कि नहीं, बट हाँ नया सिलसिला नया कार्यक्रम शुरू कर दिया गया, बढ़िया बढ़िया कंटेंट उसमें मिलेगा, तो उसे भी देखिए। तो बाकी ये अभी ख़त्म करें अपना वर्कआउट, तो हमें मौका मिले ज़रा जो करने आए हैं उसका मकसद पूरा हो।
तो भाई जिम देख लो एक बार, कि आपको जिम दिखाई नहीं थी। तो ये बंदा आज मुझसे मारा जा सकता है। 10 बजे जिम बंद होगी, बिल्कुल सन्नाटा। और अगर 5 मिनट भी और लेट होता तो ये जा सकता था आज मेरे। तो बात अब ऐसी हुई है, हमको पूरा स्वाद मिला भी नहीं और मिल भी गया। तो वैसे तो 5 राउंड लगाने से मीन्स 2-2 मिनट के हॉट एंड कोल्ड, तो मतलब 20 मिनट टोटल हो जाने से, तो अपने 2 राउंड में ही टाइम हो गया। बट ठंड जो कोल्ड वाला था उसमें अच्छी खासी ठंड थी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से उतना भी काफ़ी था। तो जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरे घर जाने की, तो तब याद करिए हमारा फोन रह गया था, तो इनके आज वैसे ही ये हेडफोन्स रह गए थे जिम में। आपने दिल से गाली निकाली आपने। अरे नहीं, तो भैया अभी लेके आए कोल्ड प्लंज और वो मिक्स वाला। तो रिव्यू बताऊं तो इंस्टेंटली भाई चेस्ट में काफी ज्यादा सोरनेस थी, जो कि अभी मुझे फील नहीं हो रही। अब पता नहीं सुन होगी बॉडी उस वजह से फील नहीं हो रही, या ठीक होगी उस वजह से फील नहीं हो रही, तो वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो बाकी इनकी वजह से आज अभी असाइनमेंट भी लेट चल रही है, उसे भी जमा करना है। उसके बाद अभी खाना भी खाना है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है। 2 घंटे बिठाया इस बंदे ने मुझे जिम में, 2 घंटे। आपसे कल ही सीधा, अभी क्योंकि अभी भूख जब हमें लगती है तो हड़बड़ाहट में क्या करते हैं पता नहीं चलता है। चलिए भाई जल्दी।